डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए। सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस में अभी मानव में जो श्वसन की क्रिया होती है, वही श्वसन हम लोग अभी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। श्वसन, ठीक है। अब इस श्वसन वाले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे, जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े मनुष्यों में पोषण। पोषण का मतलब मनुष्य अपना भोजन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, उस भोजन का क्या होता है हमारे शरीर में, हम सबसे पहले भोजन को कहाँ से लेते हैं, उसको कैसे कैसे क्रिया होती है अंदर। वैसे ही दोस्तों, हम लोग अभी बात कर रहे हैं श्वसन के बारे में, और श्वसन वाले में भी एक फिगर दिया हुआ है बुक में, आप उसका डायग्राम बना लीजिएगा, जहाँ पे कुपिकाएँ होती है, ठीक है, डायफ्राम होता है, जहाँ पे सब कुछ फंक्शन को दिखाया गया है कि नसा द्वार, यानी कि नसा द्वार का मतलब होता है नाक, नाक से हम लोग श्वास लेते हैं, वायु को अंदर दे। देखिए, हम लोग जो भी श्वास लेते हैं ना, उसमें बहुत सारी की गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत तरह की, लेकिन हमारे अंदर नाक से जैसे ही इन होता है तो अंदर उसको गुजरना पड़ता है नसा द्वार से, जिसमें नसा द्वार में आपको देखे होंगे कि नाक में छोटे 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 बाल होते हैं, उस बाल का भी क्रिया होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको क्या बनाना होगा, फिगर बनाना होगा, ठीक है। कौन सा फिगर बनाना होगा यहाँ पे, तो श्वसन वाला, श्वसन का फिगर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हम लोगों को श्वसन का फिगर है, ठीक है। जैसे हम लोग पाचन तंत्र का फिगर बना है ना, ये श्वसन का ही फिगर बना लेना है, और उसमें सबको दिखा देना है कि कौन नसा द्वार है, कौन फुफ्फुस है, ठीक है, और फुफ्फुस के अंदर भी छोटी छोटी नलिकाएं होती है, उसको भी दिखा दीजिएगा, कुपिका होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उस श्वसन में उसका पूरे फंक्शन को आपको दिखा देना है, फिगर बना देना है। हालांकि श्वसन में हम लोगों ने पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ा है, उसके बाद हम लोग फिगर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिगर बनाकर और फिर उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए वायु शरीर के अंदर, वायु शरीर के अंदर नसा द्वार द्वारा जाती है। हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ें, और जब आप श्वसन का फिगर देखिएगा, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे पहले नसा द्वार का मतलब नाक का दरवाज़ा, ठीक है, नाक का दरवाज़ा, यानी कि नाक से ही सबसे पहले हम लोग श्वास को शरीर के अंदर करते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि वायु जो है शरीर के अंदर किसके द्वारा जाती है, नसा द्वार के द्वारा। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, नसा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में, नसा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पंद हो जाती है। निष्पंद बताते हैं क्या है, निष्पंद हो जाती है, कॉमा, जिससे शरीर में जाने वाली धूल कण तथा अशुद्धियां रहित हो जाती है। देखिए, सबसे पहले आप केयर किए होंगे कि अपने नाक में जो बाल होता है ना, छोटा छोटा, ठीक है, ये बाल का बहुत अहम रोल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब भी आप वायु को अपने नाक द्वारा, नसा द्वार द्वारा जब लेते हो अंदर, तो वो नाक का बाल क्या करता है, उस धूल कण को अपने आप में, यानी कि जो बाल है उसको, धूल कण को रोक देता है, ठीक है, और वायु को अंदर प्रवेश करने देता है। मेरा मतलब कि
जैसे वायु जो है नसा द्वार द्वारा तो अंदर गया, लेकिन नसा द्वार द्वारा नसा द्वार में ही नाक में ही, जिसको नाक का बाल बोलते हैं और लोग ना उसको हटा देते हैं, दैट इज अ बहुत भारी मिस्टेक वे लोग करते हैं जो नाक का बाल बिल्कुल हटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाक का जो बाल है वो एक महीन बाल होता है जो क्या काम करता है, तो नाक में आने वाले जो भी वायु के साथ धूल कण होती है, दैट इज धूल कण या फिर बोल सकते हैं अशुद्धियाँ, उसको क्या करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, यानी कि इसका भी बहुत अहम रोल है जो नाक में महीन बाल होते हैं, धूल कण या फिर अशुद्धियों को रोक देता है। यही कारण है कि हमारे शरीर में जाने वाली जो धूल है अशुद्धियाँ हैं वो रहित हो जाते हैं, मतलब कि रहित का मतलब नहीं जा पाती है अशुद्धियाँ। ठीक है, उसके बाद आप जब श्वसन वाले फिगर में बनाएंगे तो फुफ्फुस दिखा जाता है, यहाँ पे फुफ्फुस रहता है। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्लैडर भी बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो फुफ्फुस है ये बिल्कुल गुब्बारे की जैसा है। अगर मान लिया जाए उसको अगर आप निकाल कर हमारे शरीर से और उसमें हवा डालेंगे ना, बिल्कुल बैलून जैसा फूलेगा। ठीक है, वो कौन सा है, फुफ्फुस है, और फुफ्फुस में छोटी छोटी नलिकाएँ बहुत सारा होती है। ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे, फिलहाल नेक्स्ट एरो दिखाया जाए, लिखेंगे नेक्स्ट एरो देकर, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। देख लो भाई, आप अगर आप श्वसन का फिगर बनाएंगे ना तो कुपिका का देख पा रहे होंगे कि ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे कुपिका रहता है, एक कुपिका हो गया, देख पा रहे होंगे यह कुपिका एक बैलून जैसा हो गया, इसमें जब हवा डालेंगे ना तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस नहीं होता है, फुफ्फुस होता है, फुफ्फुस के अंदर जो छोटी छोटी मार्ग होती है, बहुत सारा छोटी छोटी मार्ग, छोटा छोटा नली होता है, और उसी नली में जब वायु आता है, प्रवेश कर जाता है, तो अंत में गुब्बारे जैसी रचना प्रदान होता है। और आप देख पा रहे होंगे कि जो शरीर का संरचना में श्वसन की दिखाया गया है उसको ऐसे करके कुपिका को अलग दिखाया गया है। आप अगर इस फिगर बनाइएगा फ्रेश तो कुपिका का भी फिगर बना दीजिएगा अलग से, ताकि ये पता चलेगा कि यह एक बैलून जैसा, गुब्बारे जैसा संरचना को प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग कुपिका कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट एरो देंगे। कुपिका की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। देख लो, अब कुपिका तो समझ में आ गया। अब कुपिका में क्या होता है कि कुपिका का जो भित्ति हो गया, कुपिका का जो दीवाल हो गया अंदर वाला, उसमें रुधिर वाहिका, रुधिर का मतलब होता है ये ब्लड को ढोने वाला रास्ता, यानी कि जैसे हमारा नस हुआ ना, नस जिसमें हमेशा ब्लड जो है फ्लो करते रहता है। ठीक है, उसी तरीके से रुधिर को जाने वाले, यानी कि ब्लड को जाने वाले जो रास्ता होते हैं, उसी को हम लोग रुधिर वाहिका कहते हैं। वाहिका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला रास्ता, किसको, रुधिर को। रुधिर का मतलब जो हमारा ब्लड होता है। ठीक है,
जिसको खून बोलते हैं, वही रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। मतलब कि कूपिका में, जैसे कूपिका तो हम बनाए ना यहाँ पे, इस कूपिका में अंदर छोटा छोटा बिल्कुल पतले नली नली में बहुत सारे रुधिर वाहिका का विस्तीर्ण जाल होता है, यानी कि ब्लड का जाने वाला का बहुत महीन महीन रास्ता होता है, बहुत ही पतला रास्ता होता है, यानी कि एक जाल की तरह फैला होता है, ऐसे ऐसे जाल जाल, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पतली नली होता है जिसमें ब्लड का एक्सचेंज होता है या फिर ब्लड जाते रहता है, ठीक है। चलिए फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो लिखा जाए। जब हम श्वास लेते हैं, कॉमा, हमारी पसलियाँ मतलब हड्डियाँ, जो चेस्ट का हड्डी होता है ना, चेस्ट का ऊपर वाली हड्डी, जिसको हम लोग पसली बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम श्वास लेते हैं, कॉमा, हमारी पसलियाँ ऊपर उठ जाती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप वच गुहिकाएं बड़ी हो जाती है। चलिए देख पा रहे होंगे, जब आप श्वसन वाले फिगर में देखिए तो डायफ्राम का फिगर साफ साफ दिख पा रहा होगा। और ये डायफ्राम पर इफेक्ट कब पड़ता है, आप खुद भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं। आप अंदर पूरा श्वास को भरिए, जब आप अंदर पूरा श्वास को भरते हैं तो आपका पसली क्या हो जाता है, ऊपर उठता है, ताकि जैसे मान लिया कि अंदर ब्लैडर है ना, ये कूपिकाएं हैं, जब आप अंदर से पूरा सांस लिए तो इसके साइज में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। जब साइज में बढ़ोतरी हो गया तो ऊपर का जो हड्डी है जिसको पसली बोल रहे हैं, चेस्ट के ऊपर वाले हड्डी को ऐसे ढका हुआ रहता है ना, इसको पसली बोलते हैं, ठीक है। तो ये पसली भी ऊपर की ओर उठ जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ब्लैडर में हवा भर रहे हैं, जिसको कूपिका कहते हैं। तो जैसे ही हवा भर रहे तो पसली जो है ऊपर की ओर उठ गया, और जैसे ही ऊपर की ओर उठा तो डायफ्राम जो है चपटा हो गया, ठीक है, चपटा हो गया मतलब कि बहुत पतला हो गया। और इस चपटा होने की वजह से वच गुहिकाएं बड़ी हो जाती हैं। देख लीजिए, आपको बिल्कुल याद रखना होगा, सब चीज़ फिगर में मिलेगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं क्लियरली, लेकिन आपको हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप हवा भरेंगे पसलियाँ ऊपर उठती है, और जब पसलियाँ ऊपर उठती है तो डायफ्राम चौड़ा हो जाता है, और डायफ्राम जब चौड़ा हो जाता है यानी कि चपटा होता है, तो वच गुहिकाएँ पर क्या प्रभाव हो जाता है, कि ये बड़ी हो जाती है। और जैसे ही वच गुहिकाएँ बड़ी हो जाती है तो उसके हरेक कण कण में वह वायु भर जाता है जो हम लोग नसा द्वार से लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग नसा द्वार से वायु लिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं सभी भाग तक अंदर जाएगा, जहाँ तक कि वच गुहिकाएँ जो बड़ी हो जाती है उसमें भी वायु जो है प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए, रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। पूर्ण विराम, उसी के आगे लिखेंगे, कूपिका रुधिर वाहिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक
पहुंचाता है। देखिए अब इसके बाद हम लोगों का मेन रोल शुरू हो जाता है। देखिए मेन रोल कुपिकाओं का ही है, जो कुपिका के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देख लो भाई, जो कि हम लोग वायु जो है हम लोग लिए, तो वायु जब लिए तो इसी से ऑक्सीजन जो है यहीं से गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन और CO2, यानी कि ये इसी कुपिकाओं से मेन हम लोगों का फंक्शन काम शुरू होता है। एक का नाम है ऑक्सीजन, एक का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। एक का नाम ऑक्सीजन है और एक का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन। मेरे लिए क्या बोल सकते हैं हानिकारक है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी कारण है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शरीर से बाहर करते हैं, छोड़ते हैं। तो अक्सर होता क्या है ना कि हम लोग सभी कोशिकाओं तक, जैसे मान लिया जाए कि अवांछनीय पदार्थ, जैसे हम लोगों का नाखून है, ये नाखून बढ़ रहा है तो ये भी हम लोगों का अवांछनीय पदार्थ है, ये भी शरीर में खराब पदार्थ है। आप लोग को पसीना निकलता है, ये पसीना क्या है? ये वर्ज्य पदार्थ बोला जाता है। शरीर का ये सब क्या है? खराब मटेरियल है, इसलिए इनको जो है शरीर से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको समझना चाहिए कि कोशिका, शरीर के कोशिका तक सभी एयर पहुंचते हैं और वहां एयर से पता चलता है कि जैसे कुछ खराब मटेरियल है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जैसा कि आपको पता हुआ, हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो सबसे पहले वो अमाशय में जाता है, आहार नाल में कहाँ पर जाता है? अमाशय में, फिर क्षुद्रांत्र में जाता है ना, और वहाँ से जो भोजन सूखा जाता है और फिर बाकी जो खराब पदार्थ है उसको गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है, ऐसा हम लोग सीखे हैं। सेम वैसा ही होता है यहाँ पे, कुपिका एक मेन मेरा फंक्शन है। समझ लो कि यहाँ पे कुपिका जो है मेरा मेन इंजन है किसी भी गाड़ी का। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे वायु आ रहा है, स्टोर हो जा रहा है। ये तो अलग फंक्शन है कि पसली ऊपर उठना, डायफ्राम का चपटा होना, वक्ष गुहिकाओं का बड़ा हो जाना, ये सब ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ये सब मशीन जनरेट होता है। जैसे आप क्या करेंगे, डीजल इंजन को चलाएंगे, उसके चक्की को, तो उसका पट्टा नहीं घूमता है, तो पट्टा घूमेगा तो उसके अंदर का मशीन चलेगा और फिर चक्की में आटा गेहूँ पिसाता है, सेम वैसा ही है। तो ये हम लोगों का मेन कुपिका जो है इंजन है, और इधर तो कुछ कुछ चेंज आता है तो ये सब चेंज आना लाजमी है। जब ये कुपिका हम लोगों का मेन इंजन काम कर रहा है तो कैसे कैसे काम कर रहा है, जैसे ही वायु आया तो यहीं से आपका काम शुरू हो गया। यहाँ पे दो तरह का सिचुएशन है, एक पूरे शरीर से जो खराब गैस है जिसका नाम है CO2 कुपिका में आ जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है धोने का भी काम करता है। तो ये काम करता है कौन? रुधिर वाहिका, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है, यानी कि पूरे वायु जो है, ऑक्सीजन नहीं बोल रहे, पूरे वायु पूरे कोशिका तक पहुँचा दिया जाता है, हमारा पूरा बॉडी तक पहुँचाया जाता है। आप समझ रहे हो ना कि हम सांस लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो सांस जो आप लेते हैं ना, आपका अंगुली तक, पैर के अंगुली तक के जाता है वो सांस, वो गैस, वो वायु, समझ में आ रहा है? वो कहाँ तक जाता है? पूरा पैर के अंगुली तक जाता है, और सभी कोशिकाएं उस गैस को लेती है, उस गैस को टच में आती है, और सभी सभी कोशिकाएं क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस का श्रवण कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और बाकी CO2 लौटा देते हैं। तो जैसे ही CO2 लौटाएं तो फिर हम लोग ये कुपिका क्या किया, जो खराब पदार्थ है उसको स्टोर कर लिया, और फिर हम लोग सांस छोड़ते हैं तो ये CO2 को बाहर कर लिया, और फिर से CO2 वायु लिया। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा कतई नहीं होता है। हम वायु लेते हैं और वायु में हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का मात्रा कम निकलता है उधर से। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपको आनी चाहिए। फिलहाल नेक्स्ट एरो देंगे, कुछ और बात लिखा जाए। नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार, जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में
शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। देखिए, हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। चलिए, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि हमारे श्वसन क्रिया में एक विसरण दाब का भी क्रिया होता है। और विसरण दाब किसको कहते हैं जरा समझिए। जैसे मान लिया कि आप यहाँ से पत्थर फेंकते हैं ना, जैसे मान लिया कि हम यहाँ से अगर इसको पत्थर फेंके तो यहाँ तक गया, तो आप जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे उतना ज़्यादा दूर जाएगा, है ना। पत्थर को आप यहाँ पे फेंकिए, यहाँ पे फेंक सकते हैं, यहाँ पे, तो किसके हिसाब से? अपने शक्ति के हिसाब से ना भाई, अपने दाब के हिसाब से ना। वैसे ही हमारे श्वास नली में एक ट्यूब होता है जो श्वास, अब जैसे फिगर बनाइएगा ना तो क्लियर बनाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से एयर प्रेस हुआ तो जैसे हम श्वास को लिए, ठीक है, श्वास लिए, तो जैसे ही श्वास लिए तो यहाँ पे एक दाब काम करता है, विसरण का दाब, ठीक है। कौन सा का दाब? विसरण दाब। यह काम करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक दाब के हिसाब से, यानी कि दबाव के हिसाब से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गैस जाता है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि यही दाब से केवल मेरा काम हो जाए, तो कभी नहीं दोस्तों। विसरण दाब से ऑक्सीजन जो है पहुंच जाए हमारे सभी कोशिकाओं तक, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए ना हम लोगों को किसकी आवश्यकता होगी? तो रुधिर वाहिका का, ठीक है, रुधिर वाहिका का आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हम लोग रुधिर वाहिका का यूज़ करते हैं, ठीक है, रुधिर वाहिका का यूज़ करते हैं हमारे पूरा का पूरा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग रुधिर वाहिका का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो रुधिर वाहिका का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस लिए? ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, ठीक है। चलिए फिर से नेक्स्ट एरो दिया जाए। लिखेंगे मानव में श्वसन श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ध्यान दीजिए इस बात के लिए कि मानव में जो श्वसन क्रिया होता है, और श्वसन क्रिया के दौरान जैसा कि हम समझ रहे हैं रुधिर वाहिका का इस्तेमाल किया जाता है। रुधिर वाहिका का मतलब, रुधिर का मतलब होता है रंग, ठीक है, ब्लड। अब ये रुधिर वाहिका का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रुधिर वाहिका का मतलब क्या होता है? तो रुधिर वाहिका का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रुधिर वाहिका का क्या मतलब है? तो रुधिर वाहिका का मतलब होता है ब्लड को आने जाने वाला रास्ता, ठीक है, ब्लड को आने जाने वाला रास्ता। अब ये जो ब्लड को आने जाने वाला रास्ता है, इसमें हम लोग पता होना चाहिए कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा,
इस हीमोग्लोबिन में ही वह ताकत या वह शक्ति होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को उच्च बंधुता रखता है। उच्च बंधुता का मतलब ऑक्सीजन को हरेक सेल तक, कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। जी हाँ, आपको जानना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गैस है, ठीक है, एक गैस है, लेकिन यह जल में जो है सबसे ज़्यादा विलेय है, यानी कि जल में बहुत जल्दी घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम लोगों के शरीर से कूपिका में जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा शरीर से लाया जाता है, तो जो शरीर से लाने का काम करता है वो भी रुधिर वाहिका ही करता है। तो जब लाया जाता है तो वो रुधिर में यानी कि रंगों में घुला हुआ रहता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जैसे ही कूपिका में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हो जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर कर देते हैं। हम लोग कई बार सांस लेते हैं अपने लाइफ में, कई बार छोड़ते हैं। ठीक है, सांसों का लेना और सांसों का छोड़ना ये अहम बात है दोस्तों, ये हम लोग बिल्कुल कैरी नहीं करते हैं कि इतना सारा फंक्शन होता होगा। ठीक है, जबकि हमारे अंदर ये क्रियाएं इतनी ज़्यादा तेज़ी से होती है कि एक सेकेंड के हजारवें हिस्से में ये मशीन हम लोगों का जो गॉड गिफ्टेड है, सोचो आप कि हमारे अंदर गॉड गिफ्टेड ऐसी मशीनें दी गई है कि एक सेकेंड के हजारवें हिस्से में ये मशीन काम करती है, इतनी फास्ट काम करती है। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ों को सीखने के बाद कुछ नोट में पॉइंट करके लिखा जाए, कुछ नोट्स में। पहला पॉइंट नोट का, यदि कूपिका की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्र ढक लेती है। 80 मीटर स्क्वायर क्षेत्र ढक लेती है। फिर लिखेंगे दूसरा, समझाएंगे। दूसरा, यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करे तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक परमाणु के अणु को पैर के अंगुली तक पहुंचने में लगभग तीन वर्ष का समय लग सकता है। देख लो, अब नोट में जो करके हम लोग बात लिखे हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको समझना चाहिए। जैसा कि हम लोग कूपिका के बारे में पढ़ें कि कूपिका एक तरह का बैलून है, ब्लैडर है, गुब्बारा है भाई, जिसमें वायु अगर डालते हैं ना, सांस लेते हैं, वो ब्लैडर के जैसा फैल जाता है, फूल जाता है। और जब इसको अगर हम लोग काट कर एक क्षेत्र में इसको फैलाया जाए तो ये आपको पता होना चाहिए 80 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हम लोगों को प्राप्त होगा। सोच सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्रफल है 80 मीटर स्क्वायर। जब कूपिका को काट कर अगर सतह फैलाया जाए तो टोटल कितना होगा 80 मीटर स्क्वायर। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट नोट में लिखे हुए हैं, अगर दोस्तों रुधिर वाहिका अगर हम लोगों का काम नहीं करता, रुधिर वाहिका यानी कि जो ब्लड के साथ मिलकर वायु जो है हमारे कोशिका तक पहुंचता है, वही रुधिर वाहिका है।
अगर रुधिर वाहिका नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ विसरण की क्रिया होती, और इस विसरण की क्रिया द्वारा हम लोग ऑक्सीजन जो है 3 साल के बाद पैर के अंगुली तक पहुंचता। देख पा रहे होंगे, यानी कि सिर्फ विसरण का क्रिया द्वारा हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, हमारे रुधिर वाहिका का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में ऑक्सीजन को। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ऑक्सीजन से रिलेटेड हम लोगों ने सभी पॉइंट्स, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, श्वसन से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा। फिर एक टाइप है उत्सर्जन, लेकिन उत्सर्जन से पहले चूँकि एनसीईआरटी के बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।